नमस्कार, सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय देश में भले ही मौसम सर्दियों का आने का हो, लेकिन राजनीतिक गर्माहट बढ़ रही है। देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से बलात्कार की घटनाओं से काफी राजनीतिक गर्माहट तो बढ़ी गई है। प्रदर्शनों का दौर बढ़ रहा है। अलग अलग शहरों में लोग बलात्कार की घटनाओं को लेकर नाराज हैं। प्रशासन, पुलिस और उसकी व्यवस्था से खासी नाराजगी है और राजनेता जिस तरह से बलात्कारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर भी बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा है। देश में एक प्रमुख और प्रखर आवाज है जस्टिस काटजू। जस्टिस काटजू अपने अलग अलग मुद्दों पर बहुत खुलकर साफ साफ बात करते हैं। बलात्कार को लेकर उन्होंने कुछ नई बातें कही हैं जिसको लेकर भी सोशल मीडिया पर नाराजगी है। जस्टिस काटजू को मैं देश के सबसे विद्वत लोगों में से एक मानता हूं। मेरी खुशनसीबी है कि जस्टिस काटजू इस वक्त हमारे साथ हैं। जस्टिस काटजू, इस समय देश में बलात्कार की घटनाओं को लेकर, खासतौर से उत्तर प्रदेश और राजस्थान की घटनाओं को लेकर काफी नाराजगी है, लेकिन आपने जिस तरह से सोशल मीडिया पर बात कही है बलात्कार को लेकर, उससे लोग नाराज हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बलात्कार की निंदा करता हूं। तो लोग गलत समझ गए कि जैसे मैं कुछ जस्टिफाई कर रहा हूं। दूसरी बात कि बलात्कार कोई नई चीज नहीं है, 20 साल से बलात्कार हो रहे हैं। मैं वकील 20 साल रहा, जज 20 साल रहा, अदालतों में बहुत केस आए रेप, गैंग रेप वगैरह के, तो ये कोई नई चीज नहीं है। मगर मेरे ख्याल में 95% जो बलात्कार होते हैं उसमें FIR नहीं होती है, कोई पब्लिसिटी नहीं होती है, क्योंकि लड़की के माँ बाप डरते हैं कि अगर ऐसा किया तो लड़की बदनाम हो जाएगी और हमारी बेटी की शादी ना हो, तो वो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, ना पुलिस को ना प्रेस को। तो 95% तो अनरिकॉर्डेड चले जाते हैं। मैं 20 साल वकील रहा, 20 साल जज रहा, बहुत सारे मुकदमे आए अदालतों में, मैंने खुद किए। कोई नई चीज नहीं है जो इतना हुआ अल्लाह मचाया जा रहा है। मैं इसकी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ, मगर ये कोई नई चीज नहीं है। दूसरी चीज ये है, और ये जरा थोड़ा सा गहराई से समझिए कि सेक्स की जो अर्ज होती है ये नेचुरल चीज है, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति ने बनाया है। और प्रकृति का एक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति विशेष हैं, इंडिविजुअल्स, जैसे विजय त्रिवेदी हैं, मार्कंडेय का जो, हम लोग का देहांत हो जाएगा किसी न किसी दिन, मगर मानव जाति चलती रहनी चाहिए। इंडिविजुअल्स विल डाई बट स्पीशीज मस्ट कंटिन्यू। तो वो कंटिन्यू होगा अगर बच्चे पैदा होंगे। अच्छा, हमारे समाज क्योंकि कंजर्वेटिव समाज है भारत का, नॉर्मली सेक्स मिलता है शादी के बाद, प्री मैरिटल सेक्स यहाँ पे डिसअप्रूव किया जाता है। तो शादी उसकी होगी जिसके पास कोई नौकरी हो, कोई लड़की बेरोजगार लड़के से तो शादी नहीं करेगी। और जब इतनी भीषण बेरोजगारी आ गई है, इसका मतलब है कि तौर पे लड़कों की शादी नहीं हो पा रही क्योंकि नौकरी नहीं है, और शादी क्योंकि नहीं हो पा रही है तो सेक्स नहीं मिलता है, सेक्स की अर्ज है। तो ये विकृति अवश्य है, मगर ये होगा। देखिए, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, बलात्कार को निंदा करता हूँ, मगर जैसे कि चोरी डकैती है, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ, मगर अगर इतनी बेरोजगारी होगी तो क्राइम्स बढ़ेंगे, चोरी डकैतियां बढ़ेंगी और रेप्स बढ़ेंगे, क्योंकि भाई बेरोजगार लड़का क्या करे, वो चोरी डकैती करेगा पेट भरने के लिए। इसी तरीके से ये रेप्स की घटनाएं होती चलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ना हो, तो मैं भी चाहता हूं ना हो, तो आपको एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें तेजी से औद्योगिकरण हो ताकि करोड़ों नौकरियां बने और लड़कों को फिर नौकरी मिले और शादी हो और सेक्स मिले, तब बलात्कार की घटनाएं कम होंगी। मैं नहीं कहता हूँ कि, देखिए एक चीज समझ लीजिए, मैं नहीं कहता हूँ कि मैरिटल रेप नहीं होता है,
शादीशुदा आदमी भी रेप कर सकता है, मगर एक बहुत सबसे बड़ा कारण रेप का है बेरोजगारी। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एक ही कारण है, और भी बहुत कारण है, मगर बहुत बड़ा कारण है जिन वजह से मैंने आपको बताया। जी, मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा कारण है बलात्कार का, तो कम से कम समाज जो है बेरोजगारों को माफ कर दे बलात्कार के लिए, ये रियायत मिल जानी चाहिए। जैसे मुलायम सिंह जी ने कहा था कि लड़कों की तो गलती हो जाती है, वैसे ही जस्टिस काटजू कहते हैं कि बेरोजगार है तो बलात्कार की इजाजत मिल जाए, क्योंकि आप शादी तो नहीं करने देंगे सोसाइटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ मैं निंदा करता हूँ बलात्कार का, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ जब तक बेरोजगारी, इतनी व्यापक बेरोजगारी रहेगी, बलात्कार की घटनाएं होती चलेंगी। मैं जिस तरीके से चोरी डकैती की निंदा करता हूँ, मगर कहता हूँ कि जब तक बेरोजगारी रहेगी क्राइम्स बढ़ेंगे, चोरी डकैती बढ़ेगी। तो ये ना समझ लीजिए कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि बलात्कार बढ़ेंगे तो मैं बलात्कार का सपोर्ट कर रहा हूँ। ये तो आप लोग जर्नलिस्ट लोग रिक्वेस्ट कर देते हैं। आप तो अदालत में रहे हैं, कानून में एक व्यवस्था होती है आईपीसी में भी, कि कानून की धाराओं में ये स्पेस जुडिशियरी को मिलता है कि वो अपराधी की घटना को, काल को, क्रम को, व्यवस्था को देखे और उस हिसाब से वो सजा तय करता है। मान लीजिए कोई सजा 10 साल से आजीवन कारावास तक की है, तो वो जज जो है ये तय करता है कि ये घटना उस अपराधी ने क्यों की है। तो जस्टिस काटजू अगर कोर्ट में बैठे होंगे तो बेरोजगारों को 10 साल की बजाय 1 साल की सजा देंगे, क्योंकि जस्टिस काटजू मानते हैं कि बेरोजगारों को ये रियायत मिल जानी चाहिए। देखिए, यहां मैं कहना चाहूंगा कि अदालत कई किस्म के फैसले दे सकती है, और फैसले देते समय उसको कई चीजों पर ध्यान देना होगा। जी, तो जो ये समाज में इतनी भीषण बेरोजगारी है, ये भी एक चीज ध्यान में रखना चाहिए। इतना बस कहना, मैं ये नहीं कहता हूँ सजा नहीं होनी चाहिए, मगर एक चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो मतलब बलात्कारियों को कठोर सजा तो नहीं मिले, कम से कम बेरोजगार बलात्कारियों को तो कम से कम कठोर सजा नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, वो सारे फैक्ट्स हर केस में अपने पिक्यूलियर फैक्ट्स होते हैं, सारे फैक्ट देखने होते हैं, और उसमें एक फैक्ट ये भी देखना चाहिए, ये बेरोजगारी का भी बात देखनी चाहिए। इतना मैं बस कहूंगा। निर्भया कांड में जो लोग बलात्कारी थे वो सब लोग काम कर रहे थे सर? मैंने तो कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी ही एक कारण है बलात्कार का, मैंने कभी नहीं कहा। ये तो तोड़ मरूं कि आप लोग मेरी बात पेश कर रहे हैं। मगर ये मुख्य कारण है। आप समझने की कोशिश करिए ना, सामाजिक बुराइयां जो है उनको समझने की कोशिश करिए। बेरोजगारी बड़ी भीषण समस्या आ गई है, तो ये जरूर है कि रोजगार व्यक्ति भी बलात्कार कर सकता है, मगर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है। सर, आपने अभी कहा कि 90% केसेस रिपोर्ट नहीं होते। यदि NCBR के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो इस समय देश में हर 16 मिनट पर, हर 15 मिनट पर एक बलात्कार होता है। 87 बलात्कार हर दिन हो रहे हैं। 30,000 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं 2019 में हुई। कोरोना का मामला तो 2020 में आया। बेरोजगारी जो बड़ी है वो आपके हिसाब से कोरोना में बड़ी है, लेकिन 2019 में भी 30,000 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। और यदि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देखें तो उसके हिसाब से हर तीसरी महिला को 15 से 45 साल की उम्र तक की जो है उसको फिजिकल वायलेंस का सामना करना पड़ता है। हर छठी महिला को सेक्सुअल वायलेंस का सामना करना पड़ता है। तो ये तो देश जो है, यदि 90% मामले भी रिपोर्ट हो जाएंगे तो बलात्कार की मशीन कहलाएगा देश, और उस पर आप उसको नॉन सीरियसली ले रहे हैं। नहीं, मैं नॉन सीरियसली नहीं ले रहा हूं, मगर ये मैं कह रहा हूं कि एक तो ये कोई नई समस्या नहीं है, 20 साल से होती आई है। मैं 20 साल वकील रहा, 20 साल जज रहा, अदालतों में मैंने देखा बहुत केसेस आते हैं, मगर साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि इसका मुख्य कारण क्या है। इसकी निंदा होनी चाहिए, मगर साथ साथ इसका उन्मूलन अगर आपको करना है तो आपको समाज का परिवर्तन करना होगा। जब तक इतनी भीषण बेरोजगारी रहेगी, बलात्कार होते रहेंगे, मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मगर ये होगा। तो होते रहे मतलब हम देखते रहें, आप जो चाहे खत्म नहीं हो जाएगी। जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक बलात्कार होते रहेंगे। फिर हम प्रदर्शन भी ना करें, हम नाराजगी भी ना दिखाएं,
और सरकारों को छूट दे दें कि इस तरह से काम करते होने दीजिए बलात्कार। देखिए, जब निर्भया का कांड हुआ उसके बाद बड़े प्रदर्शन हुए, बड़े हो हल्ला मचा, क्या बलात्कार कम हो गए उससे? आपके चाहने शोर मचाने से नहीं होता है बलात्कार कम, आपको समाज का परिवर्तन करना होगा। मुझे याद है शोर भी तो परिवर्तन का एक कारण हो सकता है। अरे शोर मचाते रहिए आप, देखिए शोर तो बुद्धिहीन लोग भी मचाते हैं, बेवकूफ लोग भी शोर, देखिए ये आप शोर मचाते रहिए, मगर निर्भया कांड के बाद आप तो खुद मान रहे हैं कि बलात्कार बढ़ गए जी, तो शोर मचाने से कम होने चाहिए थे, मगर बढ़ क्यों गए? मैं बता रहा हूँ क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है। अभी जो हाथरस में हुआ उस पर सारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रदर्शन किया है, हाथरस को, बलरामपुर को, सिरोही को, बारा को लेकर। राहुल गांधी जी गए हैं, प्रियंका गांधी जी गई हैं, जयपुर में बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। देखिए ये नेता लोग जो हैं, इनको तो पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, इनको देश से कोई प्रेम नहीं है। ये समझना कि ये लोग बड़े बलात्कार के खिलाफ हैं, ये सब चीजें नौटंकी जो है, ये तो करेंगे अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, मगर मैं इसको कोई महत्व नहीं देता हूँ। ये दौड़ गए राहुल गांधी, दौड़े पता नहीं पहुंच पाए कि नहीं हाथरस, और प्रियंका गांधी, ये बड़ा इनकी छाती फटफटा रही है कि बलात्कार हो गया, बलात्कार हो गया। क्या आप समझते हैं कि वास्तव में इनको देश से प्रेम है? ये तो अपना अपना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। लेकिन गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं कि शोर करना बेवकूफी की निशानी है, तो चुप्पी जो है बुद्धिजीवियों की निशानी है कि चुप रहा जाए और अपने आप को बुद्धिजीवी माना जाए। नहीं, आप समाज का परिवर्तन करिए। जो मूल कारण है बलात्कार का, बेरोजगारी एक ही कारण नहीं मगर मूल कारण है, उसको आपको समाज ऐसा बनाना है जिसमें बेरोजगारी बहुत कम हो जाए, तो उससे अपने आप बलात्कार बहुत कम हो जाएगा। सर, जिस तरह से आपने चर्चा की कि शोर से नहीं होगा, तो जब निर्भया कांड के बाद अदालतों के शोर, सोसाइटी के शोर के बाद जो बड़ा फैसला हुआ और कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया, सख्त कानून बनाया गया, तो मुझे लगता है कि आप उससे सहमत नहीं होंगे। उस समय जरूरत नहीं थी, आपको बोलना चाहिए था कि सख्त कानून की जरूरत नहीं है, बेरोजगारी दूर कीजिए। आप क्या समझते हैं कि सख्त कानून से सेक्सुअल अर्ज खत्म हो जाएगी? आप जितना भी सख्त कानून बना दीजिए, जो सेक्स की अर्ज होती है वो उससे नहीं खत्म होती, ये तो प्राकृतिक है, आपको उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऐसा समाज का निर्माण करना होगा जिसमें बड़े व्यापक तौर पे नौकरियां बने ताकि लोगों को शादी हो और सेक्स मिले। ये तो तरीका है शोर मचाना, कोई तरीका नहीं। शोर मचाना तो देखिए सर, ये कि आप जस्टिफाई भी करें और कंडेम भी करें, इसका मतलब आप ये करते हैं। गलत समझ गए आप, मैंने कहा कि मैं जैसे चोरी डकैती को जस्टिफाई नहीं करता हूं, मगर मैं कहता हूं कि जब तक व्यापक बेरोजगारी रहेगी चोरियां डकैतियां होती चलेंगी। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये बात? क्योंकि मैं ये नहीं समझ में आ रहा कि बेरोजगार बलात्कारियों को फांसी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए आज के कानून के हिसाब से। नहीं, फांसी वासी के समर्थन में मैं नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि समाज का परिवर्तन हो और ऐसा समाज का निर्माण हो जिसमें बड़ी व्यापक तौर पे नौकरियां मिले, बेरोजगारी बहुत कम हो जाए, उससे अपने आप ये बलात्कार भी बहुत कम हो जाएंगे। जी सर, दो चीजें आपने कही। पहली चीज मैं आपसे पहला एक सवाल अलग से कर रहा हूँ कि सेक्सुअल अर्ज जो है वो नेचुरल अर्ज है, तो नेचुरल अर्ज ह्यूमन स्पीसीज की है, तो लड़कियों में क्यों नहीं होती? मैंने तो आज तक शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई घटना सुनी हो जिसमें लड़कियां जो है बलात्कार कर रही हो, लड़कियों में सेक्सुअल अर्ज नहीं होती। देखिए लड़कियों में सेक्सुअल अर्ज होती है, मगर लड़कियां बलात्कार क्यों नहीं करती, उनके कितनी कारण है। एक तो ये है कि आमतौर पे लड़की कमजोर होती है लड़के से, मैं ना फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन वेमेन, तो ये उम्मीद करना कि लड़की एक लड़के को पकड़ के उसके साथ रेप कर दे, ये क्या संभव है? जबकि वो कमजोर होती है, लड़का तो कर सकता है क्योंकि ज्यादा बलवान होता है लड़की से। दूसरा कारण ये है कि लड़की सेक्स रेप नहीं करती है क्योंकि
अगर रेप करे तो हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो जाए, लड़का तो प्रेग्नेंट होगा नहीं, और प्रेग्नेंट हो गई लड़की तो फिर उसकी बदनामी होगी और तमाम सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके, तो इस वजह से लड़कियां रेप नहीं करती हैं। और तीसरा कारण यह है कि लड़कियों को बचपन से माँ बाप सिखाते हैं कि ज्यादा रेस्ट्रेंट में रहो, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि लड़की की शादी हो, चाहते हैं बदनाम ना हो जाए और वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। देखिए हमारा समाज और पश्चिमी समाज में बड़ा अंतर है। अमेरिका यूरोप में डेटिंग सिस्टम है, शादी के कई साल पहले तक लड़का लड़की साथ घूमते हैं, सेक्स भी करते हैं, बुरा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ ये बुरा माना जाता है, आपकी लड़की किसी लड़के के साथ घूमने लगे शादी के पहले तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई लड़की बदनाम हो जाएगी, फिर उसकी शादी नहीं होगी, बच्चलन कहलाएगी। तो लिहाजा हमारा माँ बाप जो है वो लड़कियों पे ज्यादा रिस्ट्रेंट बंधन रखते हैं बनिस्बत की लड़के से। आप प्रीमैरिटल सेक्स को ठीक मानते हैं? नहीं नहीं, मैरिटल प्रीमैरिटल सेक्स को देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, ये मेरे मानने न मानने से नहीं है। आप क्या मानते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है जी, आप सुनिए तो जी। देखिए मैं जिस समाज में रह रहा हूँ ये कंजर्वेटिव समाज है, यहाँ प्रीमैरिटल सेक्स को डिसअप्रूव किया जाता है, बुरा माना जाता है, और वेस्टर्न सोसाइटी में बुरा नहीं माना जाता है। तो ये मेरे मानने न मानने पर निर्भर नहीं है, ये सवाल है किस समाज में आप रह रहे हैं उस पर निर्भर है। हमारे यहाँ ये प्रीमैरिटल सेक्स को इमोरल माना जाता है, बुरा माना जाता है, वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा ये मुझ पर मत लाइए कि आप पर्सनली क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये ठीक है, हमारा समाज का परिवर्तन हो जाए, औद्योगिक समाज हो जाए, तो उसके बाद ठीक है, मैं भी अप्रूव करूंगा प्रीमैरिटल सेक्स, मगर तब तक मुझे भी अपने समाज के जो वैल्यूज हैं उनके हिसाब से कहना है, बात करनी है। लेकिन सर आपने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा कारण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है एक बड़ा कारण है बलात्कार का, तो जो आप अभी बड़ी चर्चा कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, यूरोप की, अमेरिका की, मैं तो कभी गया नहीं वहां पर, तो क्या वहां बलात्कार नहीं हो रहे हैं, बंद हो गया सब कुछ वहां, ठीक चल रही है सोसाइटी? नहीं नहीं, वहां भी बलात्कार होते हैं, मगर मेरा अनुमान है यहाँ से काफी कम है भारत, क्योंकि भारत में तो देखिए 95% तो रिपोर्ट ही है, आप तो कह रहे हैं 99% रिपोर्ट ही नहीं होते हैं जी, FIR नहीं होती, लोगों किसी को जानकारी ही नहीं होती है। वहां पे सबको जानकारी हो जाएगी, वहां जो लड़कियां हैं, अमेरिका में अक्सर जाता रहता हूँ, सब पढ़ी लिखी हैं, कामकाजी हैं, शादी के बाद भी काम करती हैं, और उनके साथ बदसलूकी आसानी से नहीं की जा सकती है। वो अमेरिका की लड़कियां वो भी बड़ी एसर्टिव होती हैं, उनके साथ आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं जैसे अक्सर यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अर्ध सामंती समाज है, यहाँ पिछड़ा समाज है, तो आप दोनों को कंपेयर ना करिए। तो आपको लगता है कि संसद में जो है अब पार्लियामेंटेरियंस को बलात्कार के सख्त कानून बनाने की बजाय उसको एक सोशल जस्टिफिकेशन के साथ बनाना चाहिए कि जब तक बेरोजगारी खत्म ना हो, जब तक गरीबी खत्म ना हो, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म ना हो, 15-20 साल के लिए पेंडिंग छोड़ दिया जाए बलात्कार के मामलों को, या थोड़ी सी रियायत बदल कर दी जाए, फांसी की जरूरत नहीं है, आजीवन कारावास की जरूरत नहीं है, और खासतौर से ज्यादा रियायत देनी चाहिए बेरोजगारों को। देखिए संसद का कोई महत्व नहीं रह गया, ये जो परिवर्तन आना है समाज में, ये संसद इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है। इसमें तो एक जन क्रांति की आवश्यकता है, बड़ा भारी जन जन क्रांति को तो आप शोर कहते हैं। नहीं नहीं, जन क्रांति शोर नहीं होता है, शोर तो जो आजकल मचाया जा रहा है वो शोर है, वो कोई जन क्रांति नहीं है। जो चीख चिल्ला जैसे निर्भया कांड में हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते चिल्लाया लोगों ने, खत्म हो गया, सब घर गए। जन क्रांति तो चलती रहती है जब तक सफल ना हो जाए जी। ये तो कानून बनाने का काम तो उसी जन क्रांति उसी शोर से हुआ था आपके हिसाब से? अरे भाई मैंने कहा कि कानून से आप चाहते हैं कानून सख्त कानून बनाने से बलात्कार दूर हो जाएगा, ये गलत फहमी है। आप जितने भी सख्त कानून बना दीजिए
वो सेक्सुअल अर्ज खत्म नहीं होगी भाई, वो प्राकृतिक चीज है। प्रकृति में कुछ चीज होती है। ये सख्त कानून खत्म कर देने चाहिए, जरूरत है कि नहीं है? आप खत्म करिए या न करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। महत्व है एक ही चीज पे कि समाज का परिवर्तन करना है और एक आधुनिक औद्योगिक समाज का निर्माण करना है जिसमें करोड़ों नौकरियां पैदा हों, लोगों को नौकरी मिले, शादी हो और फिर उससे सेक्स कभी हो जाए। फिर जो शादीशुदा रोजगार में जो लोग लगे हुए हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए हैं, राजनेता बने हुए हैं, जुडिशरी में बैठे हुए हैं, यदि उनमें से कोई लोग बलात्कार कर रहे हैं तो उसका कोई जस्टिफिकेशन है? उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, मैंने कभी नहीं कहा जस्टिफिकेशन है। नहीं, उनकी तो सेक्सुअल अर्ज नहीं होनी चाहिए ना। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि शादीशुदा लोग भी बलात्कार कर सकते हैं और करते भी हैं, मगर इसीलिए मैंने कहा कि देखिए बेरोजगारी एक ही कारण नहीं है बलात्कार का, मगर एक मुख्य कारण है, और भी कारण होते हैं। शादीशुदा लोग भी बलात्कार करते हैं, मगर सोचिए एक जवान लड़का है, एक उम्र आ जाती है 25 साल 26 साल 28 साल का हो गया, एक नेचुरल उसमें सेक्स की डिजायर होती है। अब वो आप उसको सेटिस्फाई न करेंगे तो फिर वो विकृत तरीके से वो निकलेगा। तो बेरोजगार गैर शादीशुदा लोगों को तो सजा नहीं देनी जानी चाहिए बलात्कार की? नहीं नहीं, सजा होनी चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा सजा नहीं होनी चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि एक नेचुरल अर्ज है तो फिर क्यों सजा दे रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि कानून बना हुआ है उसके लिए, कानून बना है, मगर सजा कानून से सहमत नहीं है? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कानून से मैं सहमत हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ जब सजा दी जाती है, क्योंकि देखिए जज को अधिकार है कई किस्म, एक साल की सजा, दो साल की, पांच साल की, दस साल की, जब सजा दी जाती है तो उसमें जज को कई चीजों पे ध्यान देना होता है। और एक चीज ये भी बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये जवान लड़का है और इसमें है नेचुरल सेक्स की रिक्वायरमेंट है, ये एक चीज है, एक फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि इस वजह से आप उसको निर्दोष डिक्लेयर कर दें। मतलब बेरोजगार और गैर शादीशुदा को थोड़ी कम सजा देनी चाहिए आपके हिसाब से? मैंने ये कहा कि जब जज सजा देने के बाद ये तय करता है कितनी सजा हो, जी, तो कम सजा दी जानी चाहिए, तो थोड़ा सा कम करना चाहिए। यस, क्योंकि देखिए ये समझना चाहिए कि ये ऐसा किया, मगर एक ही फैक्टर नहीं है। अगर मानिए बलात्कार के साथ साथ हत्या कर दी उसने, बलात्कार के साथ जैसे निर्भया कांड में उसने कोई रॉड डाल दिया था उस लड़की के अंदर, तो फिर सख्त सजा मिलनी, ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो कई फैक्टर्स हैं, मगर एक फैक्टर ये भी है। तो फिर सर, एक अर्ज को, सेक्सुअल अर्ज को कम करने का एक तरीका पहले के सोसाइटी में था कि चाइल्ड मैरिज, शादियां जल्दी उम्र में होती थी, तो आपके हिसाब से अब तो चाइल्ड मैरिज कर देनी चाहिए तो एक रास्ता वो भी निकल आएगा? देखिए, चाइल्ड मैरिज का युग निकल चुका है, वो चक्का वापस नहीं जा सकता है, चक्का चल गया तो चल गया, अब हमारा समाज बदल गया है। गलत था वो लड़कियां शिक्षित, अरे भाई अब लड़कियां शिक्षित हो गई हैं, समाज आगे बढ़ गया है, जो 100 साल पहले समाज था भारत में वैसा नहीं है। पहले लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, अनपढ़ रहती थी, अब करीब करीब हर लड़की स्कूल जा रही है, तो समाज बदल गया है ना। अब वो आप चाइल्ड मैरिज का युग को वापस रिस्टोर नहीं कर सकते। अभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप का और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, खासतौर से पुलिस और जो डीएम जैसे लोग, बड़े अफसर जो रहे, उनका जो बिहेवियर रहा है सारे घटनाओं को लेकर, आप उसको जस्टिफाई करते हैं? नहीं देखिए, अब तो ये डीएम एसएसपी वही करेंगे जो इनके पॉलिटिकल मास्टर्स कहेंगे करने को, तो इन ये अब वो जमाना बीत गया जब ये इंडिपेंडेंट होते थे, न्यूट्रल होते थे, इम्पार्शियल होते थे, वो जमाना नहीं रहा। अब डीएम एसएसपी जो हैं वही करेंगे जो राजनीतिक उनके नेता लोग, मंत्री लोग कहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक सवाल और आपसे जुड़ा हुआ था जो चलते चलते मैं जानना चाहता हूं कि आपने अभी पिछले दिनों नीरव मोदी की पैरवी की थी अदालत में, उसको लेकर भी लोगों ने खासी नाराजगी आप पर जाहिर की है, कुछ कहना चाहते हैं आप उस पर? देखिए, उस पर मैं कहना जरूर चाहूंगा, मगर वो बात को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे वक्त लगेगा,
इस इंटरव्यू में संभव नहीं, एक और इंटरव्यू रखिए उसमें जरूर मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जायज तो आप मानते हैं क्योंकि आपने पैरवी की है उनकी? हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए सर, थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।